आपको पता है रिंकू सिंह की हर दफ़ा ही परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहती है, जिसने आपने देखा 68 स्कोर इन्होंने किया है। और सूर्य कुमार यादव की बात कीजिए, उनकी कैप्टनसी बहुत जबरदस्त है ऑस्ट्रेलिया। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू, रेवोल्यूशन टीवी के साथ। हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का सेकंड मैच है टी20 सीरीज के अंदर, जिसमें सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस कमाल की हम लोगों को नजर आई। सूर्य कुमार यादव ने किया 56 बॉल पर, अगर रिंकू सिंह की बात करें 68, मतलब आज रिंकू सिंह ने प्रूव किया कि भाई मैं डॉटेड बॉल खेलने वाला बंदा नहीं हूं, मेरे से छक्के चौके ही एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आइए पाकिस्तानी से राय जानते हैं कि इनको आज का मैच कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की आज पार्टनरशिप कमाल की रही। सूर्य कुमार यादव 36 बॉल्स पर एंड कह लेंगे 68 किया आज रिंकू सिंह ने। आज दिल खोल कर रिंकू सिंह खेले और नजर आई गया कि सेंचुरी करके गए। आपको पता है रिंकू सिंह की हर दफा परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहती है, जिसने आपने देखा 68 स्कोर इन्होंने किया है। और सूर्य कुमार यादव की बात कीजिए, उनकी कैप्टनसी बहुत जबरदस्त है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मैच विनिंग किए हैं सारे। अब साउथ अफ्रीका से करेंगे तो मेरे ख्याल से बारिश बार बार मैच ड्रा कर रही है, तो मेरे ख्याल से जो बाकी के मैच हैं वो इंशाल्लाह इंडिया ही विन करेगा। बिल्कुल, आपके पास एक इंडिया ही विन करेगा। रिंकू सिंह ने प्रूफ किया है कि भाई मैं वाकई डॉट डॉट करके खेलने वाला बंदा नहीं, मैं छक्के चौकों पर बिलीव करता हूँ। रिंकू सिंह सिंगल लेते ही नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, चौके छक्के ही करता है ये खाने में भी चौके छक्के खाता है और ग्राउंड में आके भी मारता है। बात करते हैं होम ग्राउंड की, जी इंडिया अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेलता था, पर ये बिल्कुल गलत बात है। ये इनको दुनिया के किसी भी ग्राउंड में खिला लेंगे ना, ये अच्छा ही खेलेंगे। बिल्कुल, आपकी बात ये कि आज प्रूफ हुआ है कि रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, लोग कहते हैं कि अपने हम ग्राउंड में शेर नजर आते हैं। आज तो बाहर बब्बर शेर बन के खेले, तिलक वर्मा की भी अगर परफॉर्मेंस की बात की तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने भी। हाँ, तिलक वर्मा की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उनकी बैटिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और बैटिंग बहुत शानदार उनके लिए, 28 स्कोर उन्होंने किया है और शानदार बैटिंग की है उन्होंने। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और साथ में अगर देखा जाए तो जयसवाल के ऊपर एक बैट लगी हुई है कि ये लोग टी20 के अंदर, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आएंगे। हाँ, टी20 में जरूर नजर आएंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार जा रही है। ये बी टीम है पर ए टीम जैसा खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी आएंगे और टी20 में भी आएंगे। रिंकू सिंह उभरता हुआ एक सितारा है, जिस तरह शुभमन गिल भी एक उभरता हुआ सितारा हमें नजर आए थे, और आज जिस तरह से एक सीनियर प्लेयर के साथ उनकी पार्टनरशिप रही है, डेफिनेटली उन्होंने दिल जीतकर बताया कि भाई मैं रोहित, बल्कि विराट कोहली नजर आए हैं, वो आज भी खेलते हैं जिस तरह से प्रेशर के अंदर खेले हैं। बस शुभमन गिल पे थोड़ा अफसोस है कि 0 पे आउट हो गया, उम्मीद नहीं थी उनसे, पर रिंकू सिंह ने उनकी कसर पूरी कर दी है। उन्होंने कहा शुभमन नहीं खेलेगा तो मैं उसकी जगह खेल लूंगा। बहुत अच्छा मैच गया आज का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। सवाल आज का ये कि आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह की और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड है, खुश हैं आज के रिंकू सिंह फाइनली 69 कर गए? पहले तो मैं उन लोगों का ढूंढूंगा जो कह रहे थे कि इंडिया यानी कि घर का शेर है, घर में ही खेल सकता है, क्योंकि सब यही कह रहे थे यार ये तो घर के शेर हैं, घर में ही खेल सकते हैं, बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर जाकर जैसे आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिया। बात करें पार्टनरशिप की तो एक चीज़ बहुत मिस हुई कि यानी कि रिंकू सिंह थोड़ा सा ऊपर आ जाता और मे भी हमें सेंचुरी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे 58 नॉट आउट गए हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, बहुत फास्ट इनिंग खेली है उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने, जो उनके साथ यानी कि पार्टनरशिप दी है, कमाल की पार्टनरशिप थी। यानी कि देखने को मिला है कि ये घर के शेयर की बात नहीं होती, बात होती है प्लेयर की, यानी कि टैलेंट की बात होती है। वो प्लेयर हैं, वो खेलते हैं गेम को गेम समझ के, वो कोई भी ग्राउंड हो, यानी कि कोई भी आप कह लो मुल्क को ऐसा इशू नहीं पड़ता उनको। बिल्कुल, आपकी बात ये कि प्लेयर्स मैटर करते हैं, आपके क्रिकेटर्स मैटर करते हैं कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा खेलेंगे। वो लोग उन्होंने प्रूफ किया कि जैसे पहले 3 विकेट्स गिरी, मैच काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हम लोगों को नजर आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने और रिंकू सिंह दोनों ने मिलकर आज बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल किया। ऐसे लगे जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली ही खेल रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था जैसे सेम पार्टनरशिप उनकी लग रही थी। जैसे उन्होंने मैच जैसे कि देखे ना, फर्स्ट में उनकी यानी कि शुभमन गिल भी आउट हो गए, शुभमन गिल के साथ जयसवाल भी आउट हो गए, लेकिन देखने को बाद में अपना तिलक वर्मा आया, जैसे उन्होंने इनिंग्स खेली, 29 रन किया 20 बॉल पर, यानी कि फास्ट खेला उन्होंने। उसके साथ फिर सूर्य कुमार यादव आ गए, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, यानी कि टीम वर्क के साथ ये मैच खेला गया, इसको आगे लेकर के लग तो यही रहा था कि यानी कि साउथ अफ्रीका इनको यानी कि परफॉर्मेंस ऐसी नहीं करने देगी, मे बी 100 पे ऑल टीम आउट कर दे, लेकिन बड़ी बात है जैसे 180 तक स्कोर को लेकर गए हैं, वो भी आउट ऑफ यानी कि अपने होम ग्राउंड से बाहर जाके, तो कमाल की परफॉर्मेंस है। मैं यही कहूँगा कि बी टीम तो उनको कह नहीं सकते यार, यानी कि ये बात सच हो गई है, घर की बात नहीं होती, प्लेयर की बात होती है, जहाँ खड़ा होता है वही उसका होम ग्राउंड होता है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक सर। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह क्या कमाल का खेले हैं वो आज? देखें इन पे तो हमें पहले ही अतमाद था, मैं तो पहले भी ये कहते रहता था कि यार रिंकू सिंह को थोड़ा सा मौका दें स्टार्टअप में लेके आए, ताकि वो अपना जो उसके अंदर गुस्सा है, जो उसके अंदर जोश है, वो दिखाए अवाम को, उसको पता चले कि असल में रिंकू सिंह नाम किस चीज़ का है। आज उसने करके दिखाया। और दूसरी बात अगर कहें सूर्य कुमार यादव की, नो डाउट वो तो बेहतरीन कैप्टन भी है, उसके अगर बात की जाए एज अ बैट्समैन, मैं कहता हूँ कि वो टीम को जैसा लीड करता है, जैसे कहते हैं जी रोहित शर्मा नहीं है, कमी महसूस होगी, नहीं, अब आगे हैं उसकी जगह सूर्य कुमार यादव, अटैकिंग में आए हैं, कह लेंगे ये मिक्सअप आया है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, ये कह लेंगे लीड भी करता है, उसके बाद एक हिटमैन भी बन गया, तो इस वक्त कह लेंगे
परफेक्ट जोड़ी भी बन चुकी है अब रिंकू सिंह सूर्या कुमार यादव। बिल्कुल आपकी बात सही लगी कि जिस तरह से पहले तीन विकेट्स गिरी काफी ज्यादा मैच प्रेशर में नजर आया, लग ही नहीं रहा था कि जी इतने कम ओवर्स में इतना अच्छा टारगेट इंडिया दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह से गिल गए हैं, उसके बाद जयसवाल गए हैं, उसके बाद कह लेंगे तिलक वर्मा गए हैं, काफी ज्यादा मैच कन्फ्यूजिंग नजर आया। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं भाई कप्तानी तो मैं कर ही रहा हूँ, अपनी टीम को मैं मोटिवेट अच्छा करूंगा। नहीं देखें आप सारों ने कहा जी सुमन गिल आया वापसी, ए कैटेगरी का प्लेयर आया है, आपको कुछ करके दिखाएगा, लेकिन आज फिर प्रूव किया कि इनसे बेहतर, ए से बेहतर सिर्फ बी इस टाइम चल रही है, उन्हें करके दिखाया। देखें आज सुमन गिल भी नहीं चला जिसको हम कह लेंगे सबकी नज़रों में था, आज के पूरी टीम चले ना चले सुमन गिल चलेगा, उसकी सेंचुरी दोबारा देखने को मिलेगी T20 में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा नहीं चल पाए क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत डाल दिया गया है। देखें जब आप एक बैट्समैन पर इतना प्रेशर डालेंगे वो कैसे चलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं कि इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड में बेहतर नजर आता है लेकिन बाहर भी आज बेहतर नजर आ रहा है? नहीं ये कह लेंगे हमारी बातें हैं ना, हमारी सोचें हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका एक आपका ओपिनियन बन जाएगा, वही आपकी बातें सामने आएंगी, लेकिन इंडिया बिल्कुल उसके बरक्स है। इंडिया वो करता है जो कोई सोचे ना, जो लोगों की सोचों को गलत साबित करता है। जैसे पहले वो इंडिया की बॉलिंग को सब कहते थे यार सिर्फ ये चलते फिरते फास्ट बॉलर वाली जगह में स्पिनर है, इससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें करके दिखाया कि हमारी भी बॉलिंग अटैक एशिया कप में भी रही, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी रही, तो इंडिया हर बंदे को गलत जरूर साबित करता है। तो इस बार फिर उन्होंने करके साबित किया कि हम घर में भी शेर हैं और बाहर तो हम उससे ज्यादा भूखे शेर हैं, उन्होंने करके दिखाया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की पार्टनरशिप बहुत अच्छी नजर आई है T20 के सेकंड मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए काफी अच्छी उनकी परफॉर्म रही है, रिंकू सिंह की भी और उसके साथ सूर्य कुमार यादव की। हमेशा रिंकू सिंह तो वो मैच की जान समझा जाता है, काफ़ी आपने देखा वो शुभन गिल वगैरह किस तरह मैक्सवेल वगैरह 0-0 बना के आउट हुए हैं। शुभन गिल का बहुत कहा जा रहा था कि चलेगा चलेगा, वो आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शुभन गिल आपने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जयफिल चलते हुए नजर नहीं आए हैं, तो दुख हुआ उनको देखकर, लेकिन बाकी जिस तरह से प्रेशर को हैंडल किया आज स्काई ने और साथ में रिंकू ने, इसी तरह ये प्रेशर को हैंडल कर किया था वो सूर्य कुमार यादव हैं और रिंकू सिंह, ये दो बंदे ने काफ़ी अच्छा स्कोर मारा और इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर मारा, तो ये देखें आप 180% पे बारिश शुरू हो गई थी, तो काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम दूसरी टीम के इतनी खास बैटिंग नज़र नहीं आई, यही है कि बारिश के सिलसिले में आपने देखा क्या हुआ? बिल्कुल बारिश नजर आई है हम लोगों को, साथ में क्या एक्सपेक्टेड है कि तिलक वर्मा भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये तीनों बैट्समैन T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार हो रहे हैं। देखिए सबसे जो अच्छा ज़रूरत थी वो रिंकू सिंह, क्योंकि सीरीज़ में जान समझा जा रहा है मैचेस वगैरह की, तो रिंकू सिंह वगैरह आते हैं तो बहुत ही बेनिफिट हो सकता है टीम इंडिया को, टीम ए को बहुत बेनिफिट होगा, और देखिएगा जिस तरह वर्ल्ड कप शुरू होना दो T20 वर्ल्ड कप, तो ये सुकून से ले जाएंगे क्या नाम लेते हैं इंडिया वाले। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी वाम की राय, आपकी क्या राय है आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह।